गोरखपुर के सदियों पुराने नीलकंठ महादेव मंदिर में भूगर्भ से प्रकट हुए शिवलिंग को जब महमूद गजनबी नहीं तोड़ पाया तो उसने उस पर कलमा खुदवा दिया। आज हम आपको गोरखपुर के सदियों पुराने ऐसे ही नीलकंठ महादेव के चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन करवाएंगे। भारत पर 17 बार आक्रमण कर लूटपाट और मंदिरों को ध्वस्त करने वाले जिस आक्रमणकारी महमूद गजनबी के क्रूरता की दास्तान देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसी महमूद गजनबी ने गोरखपुर के खजनी कस्बे के सरिया तिवारी गांव स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसे तोड़ ना पाने की खींच के चलते उसने उस पर कलमा खुदवा दिया, जिससे हिंदू लोग यहां पूजा पाठ ना कर सकें। फिर भी वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। शिवलिंग की महत्व कहीं से भी कम नहीं हुई। आज भी शिव भक्त पूरी श्रद्धा से इस शिवलिंग की पूजा पाठ करते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की छत लगाने की कई कोशिशें की गईं, पर छत नहीं लग सकी। आज भी यहां भगवान शिव खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के बगल में स्थित पोखरे के जल को छूने से कुष्ठ रोग से पीड़ित एक राजा पूरी तरह रोग मुक्त हो गए थे। तभी से लोग चर्म रोगों से छुटकारा पाने के लिए पोखरे में स्नान करते हैं। सावन के महीने में तो इस मंदिर का महत्व और मान्यता और भी बढ़ जाती है। आश्चर्य तो इस बात का है कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी बड़ी संख्या में इबादत करने आते हैं। अनादिकाल से हमारा गांव, अगल बगल के लोग, सारे लोग इनके दरबार में अपना हाजिरी लगाते हैं और इनकी कृपा से इस पूरे क्षेत्र में न कभी किसी प्राकृतिक आपदा ने नुकसान किया है, ना किसी महामारी ने नुकसान किया है। और अभी कोविड के काल में जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था, अगल बगल के गाँव में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। इस गांव में, इस क्षेत्र में एक आध लोगों को कोरोना डिटेक्ट भी हुआ तो उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं हुई। और बहुत सारी बहुत बड़ी कृपा है और ये ऊर्जा का क्षेत्र है। इतिहास के तथ्यों में जाएं तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि इसका ऐतिहासिक स्वरूप निकल के आए। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक सर्वे कराया था और इस नाम से 1857 के पहले के मंदिर, तो उसमें भारतीय पुरातत्व क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी और बाकी लोगों ने जो वो किया तो उसमें ये तथ्य निकल कर आया कि इस मंदिर का निर्माण 11 गढ़वाल राजवंश के राजा गोविंद चंद ने कराया था 1126 से 1170 ईस्वी के आसपास। और वैसे भी तमाम किंवदंतियां हैं, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया और इनको ना तोड़ पाने की स्थिति में इस पर अरबी भाषा में कलमा भी लिखा हुआ है। और गढ़वाल राजवंश के समय में ही मोहम्मद गोरी का गढ़वाल राजवंश से जो है पूर्वांचल के क्षेत्र में लड़ाई के प्रमाण मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि महमूद गजनवी ने ही इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। हम लोग बहुत छोटे थे तब हम लोगों ने देखा, कभी बारिश वरिश होती थी तो यहाँ बहुत बड़े बड़े अस्थि कंकाल, नरमुंड और शस्त्रास्त्र बहुत सारे नीचे थे उस समय। मैंने जब बारिश होती थी तो हड्डियां दिखाई देती थी। ये पूरा एक टीला था और चारों तरफ जंगल था और ये दुनिया का पहला अष्टकोणीय बिना योनि का शिवलिंग है। और महिमा के बारे में मैंने आप बता ही दिया। एक और भी प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ पाठक के समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे तो उनके समय में भी एक टीम आई थी शोध करने, तो उसके अनुसार एक बार औरंगजेब की सेना भी मीर कासिम रजा के नेतृत्व में यहाँ पर जो है आक्रमण की थी। और लोग बताते हैं, वह
जो उस समय के इतिहासकार लोग थे कि उसने कहा था कि आज का भोजन जनेऊ पर बनेगा, और आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से उस समय नरसंहार हुआ होगा। तो यहाँ सूचना मिलने पर, लेकिन इनकी कृपा से यहाँ मधुमक्खियों का एक झुंड ऐसा आक्रमण उस सेना पर किया, वो लोग भागे उधर, और वहाँ उनोल स्टेट के राजा साहब की सेना जो है वहाँ पर मोर्चा हुआ और वो लोग मारे गए। ऐसा जो बहुत पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के लोगों ने किया। बगल में एक पोखरा है, वो भी लगभग 7 एकड़ की लंबाई चौड़ाई में है, और गोगहरा नाला बहुत पहले हमारे लोग बताते हैं, बीच में अब कनेक्शन नहीं है, कि वो पाठ्य पुस्तकों में इस पोखरे का जिक्र होता था बेसिक शिक्षा परिषद की, कि ये पोखरा भी क्या नाम है, एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। उसमें जो घाट महिलाओं के लिए अलग स्नान घाट, पुरुषों के लिए अलग स्नाना घाट, और उसमें मान्यता ये है कि अभी भी अगर कोई टोके नहीं और स्नान आप करें तो कुष्ठादि चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत थोड़ा बहुत इतिहास निकल कर आया है। आगे और भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि पुरातत्व विभाग और बाकी एजेंसियों से अगर जांच हो जाए, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के सभ्यता संस्कृति का एक अलग महत्व होगा। और बाबा की बड़ी कृपा है, सावन में या रोज का दिन सावन होता है, लोग आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, लाभ उठाते हैं, और हम लोगों के ऊपर तो विशेष भगवान कृपा जी है। कहा जाता है कि इससे कलमा के वजह से मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं और इबादत करते हैं। इबादत तो देखिए लोगों का अलग अलग कहने का तरीका है, इबादत मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये वो कौतूहल बसाते हैं कि कैसे, मतलब जो है उस पे कलमा लिखा हुआ है। अब उनकी मान्यता है, हो सकता है किसी की धार्मिक आस्था जगी हो, उसको प्रणाम किया हो, लेकिन ऐसा कल्पना से परे ये किंचित लोगों में होता ऐसा नहीं ना है कि वो लोग आना चाहें तो यहाँ कोई रोक टोक या ऐसा कुछ? है। ऐसा अभी तो हम लोगों के सामने कोई आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। उसके तमाम अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग परिकल्पना है, तो अब सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो वो 1857 के पहले के मंदिर है उसमें थोड़ा सा आया है, और जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, कुषाण कालीन गुप्त कालीन ईंट मिले हुए हैं, तो और जो कनेक्शन है कि जैसे महमूद गजनवी कैसे आया, तो जो कनेक्शन है गढ़वाल राजवंश का पूर्वांचल में महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था, तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि इसको महमूद गजनवी ने तोड़ने का प्रयास किया था। और आपका मैं धरणीधर त्रिपाठी हूँ।